भाई स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। मेरे घर पे होने वाली है धान की बैठौनी, मतलब जो धान लगाया जाता है खेत में से लगा के, देख सकते हैं ऐसे धान लगता है। जो कि हम लोग इंजन ले जा रहे हैं पानी चलाने, अभी मशीन है, अभी हम लोग खेत में पानी चलाना है। जो कि पानी गया सूख, बारिश हुआ था लेकिन पानी गया सूख, तो हम लेकर इंजन आए हैं पानी चलाएँगे। तो इंजन इतना ज़्यादा कीचड़ है कि हमसे और तौसीब से जा ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा कीचड़ है, देख सकते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इंजन स्टार्ट करके, फिर घर जाएंगे, फिर बिया हुआ लेकर आएंगे। तो गाइस इंजन हो गया है स्टार्ट और देख सकते हैं यहाँ पे पानी चल रहा है खेत में, बाव पैर धो रहा है और इंजन चल रहा है वहाँ पे, देख सकते हैं। और बाव यहाँ पैर धो रहा है और ये खेत है पूरा, इसमें पानी चलेगा, फिर इसके बाद इसका कनई होगा, फिर इसमें धान का बैठौनी होगा। देख सकते हैं ऐसे इधर लगा हुआ धान का बिया, मेरे खेत में भी धान का बिया लगेगा। और एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे खेत के बीच में ही नदी है, आधा खेत मेरा इस तरफ है, आधा खेत मेरा उस तरफ है और बीच में नदी, मतलब नदी नहर जो भी बोले। ए बाबू भैया, तो आपको मैं दिखाता हूँ मेरे खेत के बीच में बीच गया हुआ है, जो कि मेरा आधा खेत इधर हो गया है, आधा खेत उधर हो गया है और आधा खेत में धान लगा। तो भाई जैसा कि देख सकते हैं पानी वहाँ चल रहा है और ये रहा ये नदी मतलब नहर, इधर देखो नहर पे बाघ हमारे घूम रहे हैं। और ये देख सकते हैं ये ऐसा लग रहा है कि नदी ही है, कोई बोलेगा नहीं कि नहर है। और आधा खेत मेरा उस बाजू में है, इसके बंधा जो दिख रहा है इसके पीछे है, इधर पानी चल रहा है। तो हम चल रहे हैं अब घर पे, थोड़ा कुछ खाए पियेंगे क्योंकि हम कुछ खा पी के आए नहीं थे, बस इंजन लिए सीधा खेत में आ गए सो के उठे। अब चल रहे हैं खा पी के आएंगे, फिर धान का बिया हुआ लाएंगे खेत में, फिर लगेगा खेत में। तो आगे आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। तो हम चल रहे हैं घर पे, थोड़ा कुछ खा पी के आएंगे। वो या चप्पल लेकर आ, इसी चल चलेंगे, चप्पल में यहीं रखा हुआ इंजन के पास, फिर चल चलेंगे। आप देख सकते हैं इतना अच्छा रास्ता है ये, इस पे से हम लोग को इंजन लाना चाहिए था लेकिन हम लोग लाए एकदम कीचड़ कीचड़ में से, खेत में से। जल्दी आ बाऊ, जल्दी आ, चला क्या एक बार, जल्दी आ, चला के जा रहा गाड़ी चलाने, देख सकते हैं चला पाएगा कि नहीं, देखते हैं। पहले ही बुझा दिया गाड़ी का भाऊ का, हीरो बन गई गाड़ी चलता है, चलाए चलो बस वहीं घूम के आ जा, कहीं नहीं कहाँ जाए। देख सकते हैं सब लोग बिया उखाड़ रहे हैं धान का, तो मैं भी उखाड़ने लगा और ये उखाड़ रहा था क्योंकि इसमें पानी चला दिया था तो ये नरम हो गया था, अगर यही मिट्टी सूखी होती तो ये धान का बिया उसी में टूट जाता, उखड़ता नहीं। लेकिन उखाड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मिट्टी सॉफ्ट हो चुकी है कि उखड़ रहा है जल्दी जल्दी। तो सब लोग उखाड़ रहे हैं तो मैं भी उखाड़ के ट्राई किया बिया, तो उखड़ रहा था बहुत जल्दी जल्दी। तो आगे चल, जैसा कि देख सकते हैं सुराज 963 यहाँ कनई कर रहा था तो यहीं पे ही फंस गया था। तो सुराज 855 आया था इसको खींचने के लिए, टोचन करने के लिए, वो खुद ही फंस गया था। तो इसको जुगाड़ से निकालें सुराज 963 को, तो ये निकल गया है, अभी लोग बाहर जाएंगे। बहुत बुरी तरीके से सुराज 963 फंस चुका था, कनई कर रहा था। तो सुराज 855 आया था टोचन करने, खुद ही फंस रहा था तो नहीं निकाल पाया, तो जा रहा है क्योंकि खुद धंसने लगा था, उसको छोड़ दिए कि भाई आप जाओ। वो जुगाड़ से निकला सुराज 963, बहुत ज़्यादा गड्ढे में गिर गया था, बाहर निकल गया सुराज, तरह जा रहा है क्योंकि वो उसको भी कनेक्ट करना है कहीं पे। देख सकते हैं वो धंस रहा था जहाँ से टोचन कर रहा था, ये भी निकल गया। तो सब लोग अब जा रहे हैं निकल के डट, और जोर फेंक और हवा चल रहा है बहुत तेज और सब खेत में ऐसे बिया छिटा जाता है फेंक फेंक।
खेत जोतने थोड़ा सकते हैं, कट्टर बाहर कर दिया हूँ और चल रहे हम लोग खेत जोतने। थोड़ा बहुत इसमें पानी डालेगा, पानी डाल के फिर हम लोग निकलेंगे खेत जोतने। देख सकते हैं पानी डाल रहा है, डाल बहुत जल्दी। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं इतना तेज बारिश हो रही है और बादल इतना जोर तड़क रहे हैं। और ये ब्लॉग मैं 3 दिन का शूट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग रहा है ब्लॉग कंप्लीट करने में। धान का पूरा बिया लगा नहीं खेत में, इसलिए मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। और देख सकते हैं आज बारिश बहुत ही खूबसूरत हो रही है, बादल तड़क रहे हैं, मेढक बोल रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत मौसम आज हुआ। चारों तरफ से बारिश ही बारिश देख सकते हैं, पूरा चारों तरफ बारिश हो रही है। खूबसूरत मौसम है आज का और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। एक तीसरा दिन है ब्लॉग का शूट कर रहा हूँ। देख सकते हैं पूरा बारिश हो रही है सुबह से ही, शायद 5 बजे से हो रही है और बादल तड़क रहे हैं, मेढक बोल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी आज मेरा लास्ट खेत है जो कि बिया लगेगा धान का, उसके बाद इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगा। अभी तो बिया काट रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं वहाँ बिया काटेंगे, फिर धान में बिया लगेगा। तो हमारे साथ बने रहेगा वीडियो में। और बारिश तो बहुत ही खूबसूरत हो रही है, तभी आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। आज लास्ट दिन है तो बने रहेगा वीडियो में हमारे साथ। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं गुन्नू चाचा आ रहे हैं काफ़ी तेज़ी में, जो कि धान का बिया लग रहा है। देख सकते हैं इधर भी देखिए, मीडियम ने गिर जाए ना। अरे यार एकदम आर्मी के जवान लग रहे हो। अरे वाह यार क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात, देख सकते हैं मैं भी थोड़ा धान का बिया लगाने का ट्राई करता हूँ। मुझे आता तो नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत लगाऊंगा। देख सकते हैं सब लोग लगा रहे हैं तो मैं भी ट्राई करूँगा थोड़ा सा लगाने का। और दिखाओ गाइस, जैसा कि देख सकते हैं मैं धान का थोड़ा बिया लगा रहा हूँ। देख सकते हैं मैं भी थोड़ा सीख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, लगाने तो आता नहीं है लेकिन लगाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं भी। तो गाइस धान का बिया तो पूरा लग गया पूरे खेत में, हर जगह पे जहाँ जहाँ मेरा खेत था। तो हम खेत में थे, बारिश चालू हो गया इसलिए हम आ गए घर पे, क्योंकि खेत में बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगा था, बारिश इतना तेज़ होने लगी थी। तो हम भाग के आ गए घर पे क्योंकि खेत में बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, तो हम घर पे आ गए। तो गाइस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3 दिन का ये ब्लॉग मैंने शूट किया था तो हो गया कंप्लीट। तो फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।